और अजान के बाद फिर नाम रखना है। और एक बात बता दूं भाइयों, ये नाम खुद मत रख लिया करो उल्टे सीधे, इसकी चच्ची ने रख दिया, इसकी ताई ने रख दिया, हाँ जुम्मा के दिन पैदा हुआ तो जुम्मा ही रख दिया, कलुआ रख दिया, पप्पू रख दिया, चिंटू रख दिया, मुन्नू रख दिया, मोनू सोनू, पता ही नहीं चलता इधर वाला के इधर वाला। मैं हकीकत बता रहे हैं कि इसकी दादी ने रख दिया, इसकी ताई ने रख दिया। अरे दादी और ताई कौन होती है? किसी आलिम दीन से नाम रखा है करो। बच्चे पैदा हो तो मौलाना जहीर आलम किबरा की बारगाह में हजरत क्या नाम रखे, आदि मिसाल साहब की बारगाह में आओ, मौलाना दिलशाद साहब की बारगाह में आओ, मुफ्ती सुलेमान साहब किबला नईमी आरामगाह पे तशरीफ फरमा, उस्ताद मोहतरम यहाँ तशरीफ लाएंगे, उनकी बारगाह में मुरादाबाद जाओ। तुम कहोगे नाम रखने इतनी दूर, नाम के मारे तो इंसान पूरी दुनिया में मरा ही फिर रहा है, लाखों लाखों खर्च कर दे क्यों कर रहा भैया, नाम हो जा, नाम है क्या नहीं, नाम हो जा। तो भाई नाम के लिए तो दुनिया मर रही है, तो नाम के लिए मुरादाबाद नहीं, मदीने भी जाना पड़े तो चला जा। नाम अच्छा होना चाहिए, और मेरे भाई मैदान मैशर में भी नाम के साथ उठाया जाएगा। ये तुम्हारे नाम होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर वाले नाम है, नाम ऐसा रखो कि पता चले कि मुस्तफा का गुलाम है। बोलो ना यार जरा सुभान अल्लाह, मुस्तफा का गुलाम है, नाम अच्छे रखो है। वो हैदराबाद की एक टेनिस स्टार थी, वो स्टार बनी आज से 5-10 साल पहले, वो बड़ी उसके नाम पे चर्चे थे। उस दौर में जितनी लड़कियां पैदा हुई हर दूसरे घर में सानिया। अरे भाई ये क्या मसला है यार, हर दूसरे घर में सानिया है। और मेरे भाई क्या किसी नाचने वाली या बेपर्दा रहने वाली पे अपने बच्चियों का नाम रखोगे? यार अपना नाम रखना है तो किसी सानिया के नाम का ना रखना है तो मदीने की फातिमा के नाम का रखना। तेरी आइडियल हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं हो सकती, अगर तुम्हारी आइडियल कोई है तो मदीने की फातिमा ज़हरा है। वो फातिमा तुम्हारी आइडियल है। नाम रखो अपनी बच्चियों के, अच्छे नाम रखो। जब नाम टेनिस स्टार वाली पे होगा, नाचने वाली के नाम पे होगा, तो तेरी बच्ची का राबिया बसरिया बनकर दिखाएगी है? मेरे भाई एक बात बताओ, जब नाम नाचने वालों पे होगा बच्चों का, तो क्या तेरे बच्चे तेरी बच्चियां राबिया बसरिया बनेंगी? नहीं, वो वैसे ही नाचने वाले और नाचने वाली बनेंगे। मेरे भाइयों नाम अच्छे रखो, नाम अच्छे रखो, किसी सहाबी के नाम पे हो, बात समझ रहे कि नहीं है, किसी ताबी के नाम पे हो, किसी वली के नाम पे हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो किसी आलिम दीन के नाम पर हो, ये नाम रखो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? इस नाम पर आपके बच्चों के नाम अच्छे होना चाहिए, ये उल्टे सीधे नाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बच्चा जैसे ही पैदा हो फौरन उसका नाम किसी आलिम दीन से रखवा दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बच्चा इंतकाल कर जाए आपका भी नाम ना रख सके, तो मर जाए जब भी उसका नाम रखो, और नाम रख के फिर उसका दफन करो। भाई मसला आगे से लेके पीछे तक समझ लो। अभी बच्चा आपका पैदा हुआ, पैदा होने के बाद चंद सांसें लिए, इंतकाल कर गया, मेरे भाई नाम रखो उसका, और नाम रख के उसको फिर दफन करो। इसलिए जलसे में आने वाले छोटे छोटे बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं, मैदाने मैशर में उन्हें भी उठाया जाएगा, तो उनका नाम लेके उठाया जाएगा, उनका नाम लेके उठाया जाएगा। और वो छोटे छोटे बच्चे जो इंतकाल कर गए, तवज्जो फरमाइए, वो मैदाने मैशर में अपने वालिदैन की बख्शिश करेंगे, कराएंगे। छोटे छोटे आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो नमाज़े जनाज़ा में शाफियाँ व मुशफ़ा, मैं अपनी तरफ से थोड़ी ना कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो जाए तुम खुद मर जाए, खुद आप नमाज़े जनाज़ा में पढ़ते हो शाफियाँ, बच्चे के लिए बच्ची के लिए शाफियत, या अल्लाह इसे बख्शिश करने वाला शफात करने वाला मौला हमारे लिए बना। तो जब बच्चा मैदाने मैशर में गुनाहगारों की शफात करा सकता है, तो अमीना का लाल कैसे नहीं करा सकता? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई? जब बच्चा करा सकता है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, मुफ्ती सुलेमान साहब किबला नईमी बैठे
वो आने वाले हैं वहाँ कयामगाह पर, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मेरे उस्ताद हैं वो। बच्चा इंतकाल कर जाए दुआ अलग, बड़ा इंतकाल कर जाए दुआ अलग, अलग अलग है कि नहीं है दुआ, है ना। अल्लाहुम्मा अग़फिरली बालिग के लिए है, और बच्ची और बच्चे नाबालिग की दुआ अलग, बात है कि नहीं। और मेरे भाई अगर पागल इंतकाल कर जाए तो कौन सी दुआ पढ़ी जाए, पागल बालिग हो 50 साल का 60 साल का 70 साल का, बालिग है 50-60 साल का है मर गया पागल, तो उसके लिए भी बच्चों वाली दुआ है 50 साल का है 60 साल का दुआ बच्चे वाली, इसलिए कि अहकामे शरा इस पे भी लागू नहीं है। मुसलमान नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है, आकिल बालिग, वो गैर आकिल है, उस पर पागल हो गया वो, अकल खो बैठा है। तो मैदाने मैशर में बच्चे वाली दुआ उसके लिए भी कहेंगे शाफियाँ व मुशफ़ा, या अल्लाह इसे भी शफात करने वाला बना। तो जब मैदाने मैशर में पागल शफात करने वाले बन जाएंगे तो अमीना का लाल कैसे न शफात करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं यार है? मैं ये बात अपनी कह रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कुव्वत हाफजा की बात कर रहा था, हमारे और आपका कुव्वत हाफजा ऐसा। अब तकरीर शुरू हो रही है, तवज्जो करना इंशाल्लाह मजा आएगा, और जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी इतनी आप गदगद हो जाएंगे इंशाल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना, नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही, इसलिए कि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, मैंने आपसे ज्यादा लंबा सफर किया, लेकिन आप बहुत मोहब्बत से सुनने और मजमा अब तक जम थम के सुन रहा, तो इंशाल्लाह मैं भी जम थम के सुनाऊंगा।